पार्वती, तुमने इस वृंदावन में आकर मेरा कार्य और भी सरल कर दिया है। मैं तुम्हें पाते ही तुमसे विवाह कर लूंगा और इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं पाएगी। अंधक, तुम अपने मुंह में अंधे हो गए हो, तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो, किंतु तुम माता पार्वती की ओर नहीं अपितु अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। अब मैं तुम्हारा अंत करके माता पार्वती और इस संसार को तुम्हारे भय से मुक्त कर दूंगा। प्रभु, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। गुरुदेव, आप? प्रणाम। प्रभु, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस अंधक का अंत करने आप जा रहे हैं, आपको उस अंधक का अंत नहीं करना चाहिए। क्या आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो अंधक अधर्मी है, पापी है, वो माता पार्वती का हित करना चाहता है। ऐसे अधर्मी का जितना शीघ्र हो सके अंत कर देना चाहिए। प्रभु, यदि आपने अंधक का अंत करने का प्रयास किया तो महान अर्थ हो जाएगा, ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि माता पार्वती की रक्षा के लिए आपके किसी भक्त का संगारी क्यों न करना पड़े, मैं करूँगा। चले जाइए यहाँ से, अन्यथा वो अनर्थ हो जाएगा जो इस सृष्टि में आज तक नहीं हुआ। इसलिए प्रभु, महादेव अंधक की रक्षा करने के लिए विवश हैं, और जब तक महादेव का दिया हुआ अंधक को वरदान कटता नहीं, अंधक का अंत करना संभव नहीं है। किंतु गुरुदेव, माता पार्वती की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए मुझे ये बताइए कि अंधक को दिया हुआ महादेव का वरदान किस प्रकार कटेगा। प्रभु, मैं समझ गया गुरुदेव कि मुझे क्या करना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। राजन, परमावतार श्री कृष्ण ने माता पार्वती की रक्षा और अंधक का अंत करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, किंतु तुम सोच रहे होगे कि भगवान शिव ने अंधक को ऐसा वरदान दिया ही क्यों जिससे उनकी पत्नी का जीवन संकट में पड़ जाए। तो सुनो राजन, इस समय में घट रही घटनाओं से पूर्व अंधक ने महादेव की घोर तपस्या की, जाओ अंधक।